दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिंस कुमारी ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग भी ना मैं नाइट का बना रही हूँ। देखो मैं बिस्तर में सो रखी हूँ, ये खाना खा के ना बिस्तर में लेट रखी हूँ, तो ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं सोने के बाद। मतलब आज का ब्लॉग तो मैंने डाल रखा है ना सुबह, और ये वाला ब्लॉग मेरा कल के लिए रहेगा। तो मेरे पास कल के लिए था नहीं तो कुछ डालने के लिए, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों के साथ। मैं तो खाना पीना खा के रेडी हो रखी हूँ, बिस्तर में सोने की तैयारी चल रही है मेरी। सब सारा काम हो गया हमारे यहाँ ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। 2 दिन से हमने सूर्य भगवान देखे ही नहीं, और ना ही धूप आ रखी है। कपड़े वपड़े भी ना हमारे कुछ नहीं सूख रहे हैं, अजीब सा हो रखा है। बाहर निकलने लायक ही नहीं हो रखा है, कोहरे से बिल्कुल एकदम घना कोहरा पड़ रखा है, काला मौसम हो रखा है। तो धूप निकल ही नहीं रही है, कोहरे के साथ साथ ना पाला भी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही करके। जब मैं सुबह उठी तो ना, आज उठने के बाद बाहर गई थी पानी चलाने, तो फिर छत में देखने गई सिंटेक्स में पानी, तो उस टाइम मैं छत में गई तो वो कोहरे के साथ ना पाला जैसा गिर रहा था, बारिश की जैसे बूंदें आ रही थी। तो अजीब सा हुआ था आज हमारे यहाँ। तो आप लोगों के यहाँ कैसा हो रहा करके मौसम मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो ठंड से बहुत ही बेहाल हो रखे हैं, कोहरे पड़ने के बाद ना सबकी तबीयत भी डाउन हो रखी है, और मेरी तबीयत भी ना डाउन हो रखी है। तो मैं दिन में ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, सर्दी जुकाम हो रहा था, अजीब सा हो रहा था। और मेरी सासू माँ की तबीयत भी डाउन हो रही है ना आजकल, खांसी हो रही है उनको भी बहुत ज़्यादा। वो खांसी ना दवा खाने के बाद भी सही नहीं हो रखी है। पहले एक बार मैं लेके आई खांसी की दवा, तो उससे तो बिल्कुल नहीं रुकी। फिर मिस्टर जी भी लेके आए हैं आज सुबह खांसी की दवा, उससे मतलब थोड़ा राहत मिलती है। पता नहीं सही होती है नहीं होती है खांसी अच्छे से। और हमारा नानू ना, उसको भी सर्दी जुकाम हो रखी है, मिस्टर जी को भी, सभी लोगों की तबीयत डाउन हो रखी है। मैं दिन में तो दिखा नहीं पाई ना आप लोगों को यहाँ का मौसम और सब कुछ। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा सा मतलब तबीयत में थोड़ा सा अंतर हो रखा था, बना देती हूँ करके एक छोटा सा ब्लॉग। तो हम लोगों ने ना दिन में भी ना चावल नहीं बनाया, दाल चावल, रोटी सब्जी बनाई थी, आलू मूली टमाटर की सब्जी बनाई थी तरी वाली, और रोटी बनाई थी। बोलते हैं ना सर्दी जुकाम में मूली गर्म होती है करके, तो मैंने सोचा कि आलू मूली की सब्ज़ी बनाऊं, और उसके साथ रोटी बनाई थी। हम सभी लोगों ने रोटी खाई, या चावल नहीं बना, बहुत ही ठंडा हो रखा था, ऐसे में चावल कौन खाएगा। फिर बनाने के बाद ना नानू भी जिद कर देते हैं, मैं भी खाता हूँ करके, तो इस चक्कर से नहीं बनाया मैंने चावल आज। तो आप लोगों ने खाना खा लिया या नहीं खाया करके कमेंट करके बताना मेरे को। मतलब आप लोगों का वो नहीं होना चाहिए ना डिस्टर्ब खाना खाने का, बोलोगे कि ये गप में लगा दे रही है करके, हम लोगों को खाना खाने का डिस्टर्ब हो रहा है करके। तो हमारा नानू भी ना खाना खाने के बाद सो रखा है, ये है हमारा बेबी यहाँ पर सो रखा है। और मैंने ना यहाँ पर ही नानू के लिए पजामा भी रखा है, जैसे मतलब रात में कभी वैसे करता तो नहीं है ना बिस्तर में, कभी रात में मतलब हो पड़ी तो सूसू, तो उस चक्कर से मैंने नानू के लिए एक पजामा भी रख रखा है, ये तो चेंज करने के काम आएगा करके रात में। और हमारे नानू के ना पजामे बहुत सारे गीले, बाथरूम का कुंडा खोल के ना बाथरूम में घुस जाता है अपने आप ही, सारे कपड़े भिगा देता है। कितने सारे पजामे भिगा दिए हैं उसने, बिल्कुल सूखे ही नहीं हूँ, कैसे सूखते हैं, धूप ही नहीं आ रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वो मानता भी नहीं है ना, सिर में टोपी वोपी भी नहीं डालता है। मैंने ना बड़ी मुश्किल से भी इसकी जैकेट वाली टोपी पहना रखी है इसको सोने के बाद, वो भी रात में पहनता है टोपी, है सुबह जैसे इसकी नींद खुलेगी ना उसके बाद बोलेगा मम्मा टोपी खोलो करके, कुछ नहीं। और रात को ना इसको मैं पूरा पैक कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर में इसको मोजे भी पहना दूँगी। सुबह उठने के बाद सब कुछ खोल देता है, दिन में नहीं पहनता है। पजामा भी ना बड़ी मुश्किल से पहनाना पड़ता है इसको, बहुत ही ज़्यादा ठंड से बेहाल हो रखे ना। देखो मैंने पूरा कमरा पैक कर रखा है, और सारे पर्दे ऐसे लगा रखे हैं, बिल्कुल कहीं से हवा नहीं आ रही है, फिर भी पता नहीं क्या ठंडा हो रहा है इतना कमरे में, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। बिस्तर भी ऐसे लग रहे हैं, कोई तो कहेगा पानी में से निकाल के निचोड़ के ठंडे हो रखे, बिल्कुल मेरे को ना हाँ हाँ भी हो रही है, अब नींद जैसे भी आती है शायद। अब
आप लोग सोचोगे ना आज इसके मिस्टर जी क्यों नहीं आ रहे करके ब्लॉग में, तो आज ना मेरे मिस्टर जी यहाँ है नहीं, मिस्टर जी कहीं गए हैं तो मिस्टर जी इसलिए ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना क्योंकि रोज़ आते हैं करके, वो दिखाई देते हैं मतलब एक झलक अपना चेहरा मेरे ब्लॉग में, तो मिस्टर जी यहाँ है नहीं। तो हम लोगों ने ना जल्दी खाना खा लिया था, जब मिस्टर जी यहीं होते हैं तो देर में खाते हैं ना, ऐसे गपशप में लग जाते हैं। मिस्टर जी नहीं थे तो हमने जल्दी से खाना खा लिया। नानू भी ना पूरे दिन भर नहीं सो रखा था, नानू को भी सुला दिया था, खाना ना खिला दिया नानू को भी, नानू सो गया था अच्छे से। बस खाना खाने के बाद नानू ने बोला मम्मा मेरे को नीनू करा दो, बस सो गया था वो भी। तो मिस्टर जी कल आएंगे, आज नहीं आने वाले हैं मिस्टर जी, अब रात को तो कहाँ आएंगे, कल ही आएंगे। मिस्टर जी यहाँ नहीं है करके बता दिया मैंने आप लोगों को। आप लोगों ने भी ना जी जिसने खाना नहीं खा रखा है सभी लोग खाना खाने जाओ। मैं भी ना आप सोने की तैयारी करती हूँ, नींद जैसी आ रही है मेरे को भी, अजीब सा और ना तबीयत डाउन होने के बाद नींद जैसी लग रही है, सर्दी जुकाम हो हा हो गई फिर से। ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी नहीं बनाती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे क्योंकि मैं खाली अपना ही चेहरा दिखा रही हूँ ना ब्लॉग में, मैं सो रखी हूँ करके, ब्लॉग भी अच्छा बन रहा नहीं, पता नहीं कैसा बनना करके। तो मैं सोने की तैयारी करती हूँ, ठीक है फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले ब्लॉग में। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।